नमस्कार, हम हैं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आंध्र प्रदेश के ओंगोल के एक सरकारी अस्पताल से सोमवार को एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। एक व्यक्ति का शव पाया गया, चेहरे पर चोट के निशान के साथ साथ उसका कान भी आंशिक रूप से गायब था। तफ्तीश के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था और अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को बाहर पड़े देखा और कुछ कुत्ते उसको खा रहे थे। अब बहुत बड़ी बात सामने आ गई है कि अस्पताल में एक मृत व्यक्ति बाहर पड़ा है और उसको कुछ कुत्ते, आवारा कुत्ते उसको कुछ खा रहे हैं। अब जैसे ही अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उसे खाते हुए देखा, बाद में सुरक्षा कर्मियों ने कुत्तों को वहां से भगा दिया। बाद में पता चला कि लंबे समय से वो पीड़ित मृत पड़ा हुआ था। यह घटना राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई थी, जहां आदमी का शव बेघरों और गरीबों द्वारा आश्रय के रूप में इस्तेमाल किए गए शेड के नीचे पड़ा हुआ था। कांताराव के रिश्तेदारों ने अस्पताल में विरोध किया। अब बाद में घटना की जांच शुरू हो गई। चौंका देने वाली बात सामने आई कि मरीज को अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया गया था, वो कई दिनों से अस्पताल के बाहर यूं ही पड़ा हुआ था। अब बात अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की हो या सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा मुद्दों पर भाषण की हो, किस हद तक सरकार लोगों को बचाने में कामयाब हो पा रही है ये आपके सामने ही है। खैर, इस घटना के बाद कई बड़े लोगों ने वीडियो दिखाकर अपनी बात सामने रखी और कई ऐसी बातें जो हर व्यक्ति कुछ बुरा होते देख नोटिस करता है और लोगों को बताने की कोशिश भी करता है, ये बातें कई निकल के सामने आई। अब बात सरकार इतनी दावे करती है और क्या साफ देखा जा सकता है कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है और क्या ग्राउंड रिपोर्ट में लोग कैसे, जो सरकार ने सुविधाएं दी है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, उसको देख रही है। सोचिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।